बात 29 मई 2022 की है, यानी आज से एग्जैक्ट एक साल पहले। शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल के थार में बैठे। मैप को ध्यान से समझो, सिद्धू मूसेवाला इस वक्त अपने गांव मूसा में थे और यहां से 61 किलोमीटर दूर उनको अपनी मौसी से मिलने बरनाला जाना था, मौसी की तबीयत का हाल चाल लेने। सिद्धू रास्ते में थे और 10 किलोमीटर ड्राइव करके वो जवार के नामक गाँव में करीबन शाम के 5:25 पर पहुंच चुके थे। यहां एक ऐसा मोड़ है, ये वही मोड़ है जो आपने काफी बार इस सीसीटीवी फुटेज में यूट्यूब पर भी देखा होगा, और ऐसी मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ इस तरीके से कोरोला ऑल्टिस कार सिद्धू की थार का पीछा कर रही थी और उसके पीछे बुलेरो भी आ रही थी। कोरोला ने थार का रास्ता ब्लॉक किया और बुलेरो वालों ने सिद्धू की थार के टायर में गोली मार दी ताकि वो कोरोला को उड़ा के भाग ना पाए। इसमें से 3 बंदे बंदूकों के साथ निकलते हैं और साथ ही बुलेरो में से भी 3 बंदे बंदूकों के साथ निकलते हैं और सिद्धू मूसेवाला पर धड़ाधड़ 30 गोलियां बरसा देते हैं। पर सवाल सिर्फ एक है, सिद्धू मूसेवाला ही क्यों? और सिंगर्स भी तो हैं। उनके बाप को तो ये दिन नहीं देखना पड़ा कि अपने बेटे की मूंछों को ताप दिया जाए इस हालत में। हालांकि सिखों में कल्चर भी है, लेकिन बेटे की बॉडी को दूल्हे से सजाया जाए, और कुछ दिन बाद ही अमनदीप कौर से शादी होने वाली थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को शूट आउट में क्यों और कैसे मारा, बल्कि डीपली ये भी समझेंगे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ दिक्कत क्या है, क्यों गैंगस्टर्स पंजाबी सिंगर्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों परमीश वर्मा को अप्रैल 2018 में मोहाली में गोली मारी, और आखिर क्यों गिप्पी ग्रेवाल और मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। देखो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस का ये मानना है कि सिद्धू के साथ जो कुछ हुआ वो बस एक इंसान की वजह से हुआ, और वो इंसान है ये विक्की मिड्डू खेड़ा। असल में ये 33 साल का विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल के यूथ विंग का लीडर था और सीनियर अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल का बहुत करीबी था। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मिड्डू खेड़ा कोई सरनेम नहीं है, बल्कि पंजाब के मुक्तसर जिले में एक गाँव है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा में बहुत कॉमन है फेमस होने के बाद अपने गाँव के नाम को सरनेम के रूप में यूज करना। जैसे सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, लेकिन मैप में दिखाऊं तो वो हरियाणा से लगते हुए पंजाब के इस मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव का रहने वाला था, इसलिए सिद्धू मूसेवाला। एनीवेज, 7 अगस्त 2021 को विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर 20 गोलियां चलाई गईं और गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। अब दिक्कत ये हुई कि विक्की मिड्डू खेड़ा फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एकदम करीबी था, या यूं कह लो कि भाई की तरह था। वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि बाद उसके बाद शुरू हुई है। ये विक्की को मारने वाली कहानी कुछ यूं है कि विक्की मिड्डू खेड़ा के शूटर्स को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम ले दिया कि शगनप्रीत ने हमारी विक्की को मरवाने में मदद की थी। फिर मीडिया और पुलिस वालों ने ये बोला कि शगनप्रीत मूसेवाला का मैनेजर था, इसलिए मूसेवाला भी कहीं ना कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है। शगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था और सिद्धू मूसेवाला के 1-2 शोज उसने अरेंज करवाए थे। लेकिन ये बात सच है कि शगनप्रीत मूसेवाला का नोन तो था। अब शगनप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसको पकड़ती, उससे पहले ही वो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया भाग निकला। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला का शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भिजवाने में हाथ था, इसलिए ही सिद्धू पर ये 6 शूटर्स धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। इस समय सिद्धू के पास एक पिस्टल थी जिसमें सिर्फ 2 गोलियां थी, जो सिद्धू ने बैक फायर भी किए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिद्धू के साथ इस समय गाड़ी में 2 लोग और थे, उनका कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह। गुरप्रीत को ड्राइवर सीट पर बैठा था और गुरविंदर पीछे वाली सीट पर बैठा था, और इनके भी जांग और हाथों में गोली लगी थी और ये भी इंजर्ड हुए थे। टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 19 गोलियां मूसेवाला को लगी, और पास के ही घरों में वारदात की जगह पर भागकर पहुंचे मैसी नामक एक बंदे ने कांच वगैरह तोड़ के जब सिद्धू को गाड़ी से निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। उसके बाद जो हमने देखा भी गड्डी सिद्धू मूसेवाले की है, तो हमने उसे गड्डी से आन के उसके गड्डी के लबे लगे शीशे शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसके सांस चल रही थी उस टाइम। हाँ, सांस चल रही थी। उसके बाद सिद्धू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक राह चलती दूसरी गाड़ी की मदद ली, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर सिद्धू को ब्रॉड डेड घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां लगने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर प्राण त्याग दिए थे। शॉकिंग बात ये थी कि शूट आउट के जस्ट बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी ब्रार ने ये पोस्ट डाली और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल वालों को कॉल किया। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई सच में इतना खतरनाक क्यों है, जरूर देखना। दोनों ने डायरेक्टली बहुत प्राउड फील करते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। फेसबुक पोस्ट में गोल्डी ब्रार ने बताया कि विक्की के कत्ल में सिद्धू मूसेवाला का हाथ है, ये जानते हुए भी पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमने एक्शन लिया। और सचिन बिश्नोई ने न्यूज वालों को कॉल करके बोला, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं, आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने, पब्लिसिटी स्टंट या क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिड्डू खेड़ा जितने भी,
चूंकि ये इतना बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा था तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही था। इसलिए 6 में से सिद्धू मूसेवाला के 3 शूटर्स को तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया था। ये 3 थे प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सेरसा। और जो 3 भाग गए थे उनमें से 2 का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर जिनका हुआ वो 2 थे, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह। ये एनकाउंटर 4 घंटे चला था जिसमें 3 पुलिस वाले भी घायल हुए थे और स्पॉट से AK-47 भी रिकवर की गई थी। और फाइनली लास्ट वाला जो था दीपक मुंडी, इसको 10 सितंबर 2022 को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। इन शॉर्ट 6 के 6 शूटर्स पर पुलिस का एक्शन हो चुका था। जो बुलेरो इस्तेमाल की गई थी ये लीक्ड CCTV फुटेज बताती है कि वो बुलेरो हत्याकांड से 4 दिन पहले ही हरियाणा में लाई गई थी। और ध्यान से सुनो कि कैसे उस बुलेरो ने ही इन क्रिमिनल्स को पकड़वाया था। असल में मूसेवाला के ऊपर गोलियां चलाने के बाद कुछ इस तरीके से सारे के सारे क्रिमिनल्स ने उस बुलेरो में ट्रेवल करते वक्त ये वीडियो बनाया जिसमें सब अपने दोनों हाथों में बंदूकें दिखा रहे थे और अपने आप को स्टंट साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मनसा से 13 किलोमीटर दूर इस बुलेरो को इन लोगों ने अबेंडन कर दिया और भाग गए। जब पुलिस को वो बुलेरो मिली तो छानबीन करने पर पुलिस को फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की रिसीट मिली। पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया तो पाया कि इसमें तो प्रियव्रत फौजी शामिल है। तो कुछ इस तरीके से पुलिस को लीड्स मिली थी। भले ही पुलिस ने अपनी तरफ से बोल दिया हो कि सिद्धू मूसेवाला असैसिनेशन के पीछे सिर्फ इंटर गैंग राइवलरी ही है, लेकिन सिद्धू पाजी की फैमिली इस बात से टोटली डिनाई करती है। सिद्धू मूसेवाला असैसिनेशन को उनके फैंस का बहुत बड़ा पोर्शन पॉलिटिकल एंगल देता है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक अमेजिंग सॉन्ग राइटर और सिंगर ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन भी थे। फेम मिलने के साथ ही उन्होंने 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मनसा डिस्ट्रिक्ट से 2022 में चुनाव भी लड़े। लगभग 63,500 वोटों से वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से चुनावों में हारे थे। असल में पंजाब में आम आदमी पार्टी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पर काफी ध्यान दिया जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उनकी सिक्योरिटी 8 से हटाकर 4 गार्ड्स की कर दी। पॉलिटिकल एंगल इस केस को इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला पर अटैक से जस्ट 1-2 दिन पहले ही 424 VIPs की सिक्योरिटी कम कर दी थी। यानी जिस दिन सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ उस दिन उनके पास घट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ही बचे थे और हत्या के समय वो भी उनके साथ नहीं थे। साथ न होने का कारण ये बताया जाता है कि सिद्धू उस दिन अपनी मौसी से मिलने अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर में नहीं बल्कि पर्सनल थार में गए थे। थार 4 सीटर होती है तो उसमें 2 और जनों को ले जाने की जगह नहीं थी। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि उस दिन अगर वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर में सिक्योरिटी के साथ भी होते तो भी बच पाना मुश्किल था। एक्चुअली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये पता चला था कि ये बहुत ही प्लान्ड शूटआउट था। इतना प्लान्ड कि इन 6 शूटर्स ने अपनी गाड़ियों में ग्रेनेड और लॉन्चर्स वगैरह तक रखे हुए थे इनकेस अगर बंदूक चलने में कोई परेशानी आए तो। कुछ येट टू बी कंफर्म रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शूटर्स के पास रशियन असॉल्ट राइफल AN-94 भी थी। कम ऑन मैन, AN-94 की बात हो रही है, दिस इज अ बिग डील। ये बहुत ही रेयर एंड स्पेशल वॉर वेपन है और इसका भारत में आना मतलब पूरी दाल ही काली है। समथिंग बिग इज हैपनिंग अराउंड पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर। मैं टोटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन 2 कम्युनिटीज में डिवाइड होगा। एक तरफ होंगे RIP लेजेंड नेवर डाइज वाले और दूसरी तरफ होंगे ये बोलने वाले कि सिद्धू मूसेवाला एक खालिस्तानी सपोर्टर था इसलिए ये तो होना ही था। फेवर वाले ये बोलेंगे कि सिद्धू मूसेवाला के गाने लोगों को उनकी कल्चरल रूट्स से जोड़ते थे और अगेंस्ट वाले ये बोलेंगे कि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में गन कल्चर को प्रमोट करता था। आप इन दोनों में से चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आप मेरी इस बात से पक्का एग्री करोगे कि दिस इज समथिंग रियली इनसेन। ये देखो, आसपास के घरों तक में गोलियां लगी थी, दीवारों तक में गोलियां घुसी पड़ी हैं। शूटिंग के टाइम जहां थार खड़ी थी वहां ऐसे पेचे गाड़ दिए गए हैं स्पॉट को मार्क करने के लिए। एक साल बाद भी ये स्केरी सीन्स हमें पंजाब के गन कल्चर के बारे में बात करने पर मजबूर करते हैं। पंजाब इंडिया के सिर्फ 2.3% पॉपुलेशन कंटेन करता है लेकिन टोटल इंडिया के 10% लाइसेंस्ड आर्म्स पंजाब के पास ही हैं। भारत के टोटल 40 लाख लाइसेंस्ड हथियारों में से 4 लाख तो पंजाब के पास ही हैं और जो क्राइम्स हो रहे हैं वो ऑब्वियसली नॉन लाइसेंस्ड हथियारों से हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के कुछ फैंस ये भी मानते हैं कि ये हत्या एक मिस्ट्री टाइप है। शायद सिद्धू को पता था कि वो कब और कैसे मरेगा। बहुत ही खतरनाक कोइंसिडेंस है कि 295 सॉन्ग उसका मोस्ट पॉपुलर है और डेथ भी 29/5 यानी 29 मई को ही हुई। सिद्धू अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर का बहुत बड़ा फैन था और जैसे उसकी हत्या हुई सेम तरीके से सिद्धू की भी हत्या हुई। खैर, हम सब फिलहाल ये जानते हैं कि हमने एक रियली टैलेंटेड सिंगर और सॉन्ग राइटर खोया। इस प्राउड फादर और टूटी हुई माँ ने अपना बेटा खोया और एक फियांसे ने अपना होने वाला पति खोया। और हाँ, गैंगस्टर्स पंजाबी सिंगर्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं इस बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे। सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को मारने का प्लान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है इस वीडियो में समझो।